मधुमक्खी का घर बन चुका है इसमें। और ये देखो स्पीकर ये लगे हैं, रूट्स के हॉर्न, जंग बहुत ज़्यादा लग गई है। बाकी लुक तो इसका एक नंबर है। तुम्हारे भाई ने 6 महीने कम नहीं होते, चलो एक बार चौंक देते हैं। हेलो रेसर फोर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि बुलेट निकालो, बुलेट निकालो, बुलेट। मालूम है 6 महीने से खड़ी है भाई, 6 महीने से तो चालू ही नहीं किया। खड़े खड़े गाइस इतनी ज़्यादा डस्ट जम गई है ना उसके, इतनी ज़्यादा डस्टी हो गई है बुलेट। अब उसको हमको पहले साफ़ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद किक मारेंगे। ये देखना है भाई कि पहली किक में क्या वो चालू होती है, सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि 2-3 दिन अगर उसको खड़े कर दो ना तो भाई वो चालू नहीं होती, उसमें 10 किक तो मारनी पड़ती है। मेरे साथ तो यही होता है, बुलेट में यही चीज़ होती है, अगर उसको 2-3 दिन भी खड़ी करते तो 1 किक में चालू नहीं होती। आप लोगों की हो जाती है क्या, कमेंट करके बताना। बाकी 6 महीने बाद आज हम निकालेंगे अपनी बुलेट को और गेड़े मारेंगे अपनी बुलेट में। तो कभी मैंने मोटो ब्लॉक किया ही नहीं है, तो आज फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले हमको ये देखना है भाई कि बैटरी चार्ज तो है ना, मतलब पता चला कि बैटरी चार्ज ही ना हो फिर हमको चार्जिंग के लिए डालना पड़े। 6 महीने खड़े होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और बहुत दिक्कत होती है बुलेट अगर पानी में जैसे खड़ी हो जाती है ना, तो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करती है। जिनके पास बुलेट है वो लोग जानते ही होंगे कि बुलेट बरसात में भी थोड़ी बहुत दिक्कत करती है। चलो चलते हैं, बुलेट को देखते हैं क्या कंडीशन, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ सारी चीजें। भाई लोग ये देखो, 6 महीने से अपनी बुलेट ऐसे ही खड़ी है। देख रहे हो जो कपड़ा इसमें डला हुआ है ना, चादर डला हुआ है, चादर से ढकी हुई है, वो तक इतना गंदा हो गया। अंदर दिखाऊं मैं आप लोगों को इसका क्या हाल है। ये देखो भाई लोग, इतनी धूल जमी है इसमें और जगह जगह से ऑयल छोड़ दी है खड़े खड़े। भाई देखो ये सारी चीजें होती है। चलो इस कपड़े को हटाते हैं, हटा के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देख रहे हो इसकी हालत, और इसमें म्यूजिक सिस्टम भी लगा है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। भाई 4 स्पीकर्स लगे हैं, अभी बाहर निकालता हूँ और दिखाता हूँ अच्छे से। रूट्स के हॉर्न लगे हैं, देख रहे हो गंदी कितनी हुई है, सिर्फ खड़े खड़े ये हाल हुआ है भाई। और घर के अंदर खड़ी है, इसी जगह पे खड़ी है, डस्ट उड़ती है ना थोड़ी थोड़ी, दिखती नहीं। 2-4 दिन के लिए अगर गाड़ी खड़ी कर दो तो डस्ट दिखने लगती है। तो 6 महीने से खड़ी है भाई, अंदर देख रहे हो कितना सारा ऑयल दिख रहा है। तो चलो इसको निकालते हैं बाहर, देखते हैं अभी इसमें क्या क्या कमियां हमको देखने को मिलती है, खड़े खड़े गाड़ी में क्या काम आता है। 6 महीने से खड़ी है, और ऐसा ना हो कि बैटरी ही डाउन हो गई हो। अगर बैटरी डाउन हो गई होगी तो फिर एक और नया लफड़ा वाला काम है। चलो देखते हैं। देख सकते हो गाइस, हमने नई कराई थी। तो हमारी बुलेट का एक बार बहुत बुरा एक्सीडेंट भी हुआ था, तो मैंने उसके बाद इसको पूरी नई करा दिया था, इसकी वायरिंग से लेकर। मैं इसकी कुछ डिटेल्स दे देता हूँ आप लोगों को। ये 2009 का मॉडल है, इलेक्ट्रा। गाइस सबसे पहला काम अपन जो करेंगे ना, इसको निकालेंगे बाहर। मैं बस इसकी सीट साफ करूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक राइड लेंगे इसकी मस्त। राइड लेने के बाद इसको वॉश ही करा देंगे, वॉश करा के खड़ी करेंगे इसको। तो 6 महीने के बाद कितनी केक लगेंगी इसको चालू करने में अभी पता चलेगा। बाकी मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इतनी आसानी से तो ये चालू होगी नहीं। 6 महीने बाद इसमें बैठ रहा हूँ, इतना अजीब सा लग रहा है ना। मधुमक्खी ने अपना घर तक बना लिया यार, ये देख रहे हो भाई, मधुमक्खी का घर बन चुका है इसमें। ये देखो भाई, और ये देखो स्पीकर ये लगे हैं, रूट्स के हॉर्न, जंग बहुत ज्यादा लग गई है। और एक घर और था मधुमक्खी का, एक साइलेंसर के अंदर। बाकी लुक तो इसका एक नंबर है। तुम्हारे भाई ने बचपन से चाहता था ऐसी बुलेट रखेगा, ब्लैक कलर की, और ब्लैक और क्रोम का तगड़ा कॉम्बिनेशन होगा। और वैसे ही कुछ बनाया अपन ने इसको, तलवार वाले अलॉय, इसको तलवार बोलते हैं या एस बोल सकते हैं, ट्रिपल एस। चलो गेट लगाते हैं, देखते हैं चालू होती है यानी। आगे से लुक कुछ ऐसा है, देख सकते हैं आप लोग। मुझे तो ऐसा लग रहा है बैटरी हो गई होगी डाउन। भाई देखो हॉर्न तो नहीं बज रहा है यार, और ऐसा ना हो कि ये चालू भी ना हो। न्यूट्रल की लाइट आ रही है, वो भी नहीं आ रही है यार। चलो केक मार के देखते हैं। देख रहे हो ये सब क्या हो गया यार इसमें, उसको वॉश कराना पड़ेगा। मेरे को तो नहीं लगता कि ये चालू होगी। छह महीने कम नहीं होते, चलो एक बार चौक देते हैं, चौक दे के चेक करते हैं। पेट्रोल चेक करते हैं, पेट्रोल आवाज़ तो आ रही है हल्की हल्की, इतना पेट्रोल तो है कि चालू हो जाएगी, लेकिन हो नहीं रही है गाइस। बैटरी इसकी हो गई है डाउन। 6 महीने में भाई कितने सारे इसमें घर बन चुके हैं यार मधुमक्खी के। हॉर्न बजता है इसमें, हॉर्न बजता है, बजाओ। सब भाग जाएंगे यार, हाँ ये हॉर्न सुन के तो सब भाग जाएंगे। बंद करो इसको, बंद करो, एम्बुलेंस आ गई। नहीं हो रही है गाइस अपनी बुलेट चालू। चलो इसको खड़ी कर दे, चालू नहीं हो रही, बहुत दिन बाद चालू कर रहा था। अब इसकी हमको व्यवस्था बनानी पड़ेगी, इसकी बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, तो उसके बाद होगी ये चालू। एक तो ये आ रही है भाई। चलो गाइस अब GT निकाल लिया अपन ने, GT से चलेंगे, बुलेट तो चालू हुई नहीं।
मेरे को मालूम था यार सीन कुछ ऐसे ही होने वाला है। अरे पहले तो वो करीब एक डेढ़ महीने बाद चालू करता था मैं, तो चालू नहीं होती थी, बैटरी डाउन हो जाए कहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए। 6 महीने बाद कहाँ से चालू होगी, क्यों होगी 6 महीने बाद चालू, होगी होगी चालू 6 महीने बाद। बुलेट होगी, बुलेट अगर 6 महीने खड़ी रहे, नहीं दूसरी भैया सॉरी, वो वाली काली वाली नहीं हो रही ना, धक्का से चालू होगी बुलेट, धक्के से। बुलेट वाले में कैसे चालू होती, करंट से धक्का नहीं, नहीं खड़ी थी भैया 6 महीने से खड़ी है। अच्छा। अभी निकालने की कोशिश किया, चालू नहीं हो रही है। बैटरी चार्ज आज मैं दूंगा या तो उसमें दिक्कत होगी प्लग में। हाँ हाँ भैया 6 महीने से ऊपर हो गया। राइड बाय वायर नहीं है भाई, राइड बाय वायर होती ना तो इसमें लगवा लेता मैं, क्विक शिफ्टर लगवा लेता भाई इसमें, मजाक नहीं। अंकल क्या कर रहे हो, कुत्ते को भेड़ रहे हो, गलत बात है ये। चिल्लर मिलेगी कि नहीं, चिल्लर 500 की चिल्लर मिलेगी कि नहीं, चेक करो भुट्टा खाएंगे तो मिलेगी कि नहीं, नहीं है। आ रहा हूँ फिर मैं घूम के, आ रहा लौट मैं। मालूम है क्यों नहीं चलाता बुलेट, रीज़न ये है कि उसमें लगा है MP3 सिस्टम, बरसात के समय में बहुत दिक्कत ख़राब हो जाएगा, इसलिए बुलेट खड़ी थी तब से। और काफ़ी सारे भाई लोगों का मैसेज भी आता था, कमेंट भी आते थे, भाई बुलेट क्यों नहीं निकाल रहे हो, बुलेट में भी ब्लॉक करो। काफ़ी सारे लोगों को अपनी बुलेट बहुत पसंद है। आज मेरा ऐसे मन हुआ कि निकालता हूँ यार, वॉश वॉश करा के कम से कम खड़ी तो कर दूँ उसको, ताकि कभी अच्छा मौसम रहा तो निकालेंगे मस्त, उसमें गेड़े मारेंगे। लेकिन सीन कुछ ऐसा है, आप लोगों ने देखा क्या हो रहा है, चालू हो नहीं रही है। और बुलेट का ऐसे ही है भाई, जो लोग ऑन करते हैं वही जानते हैं बुलेट क्या चीज़ है, अगर खड़ी हो जाए ना थोड़े दिन तो इतने ईजिली चालू नहीं होती। मैंने सोचा यार गेड़े मारने का तो बहुत मन था, बुलेट चालू हुई नहीं, GT ही निकाल लो, एक छोटी सी राइड ही हो जाएगी। बाकी आवाज़ कैसी लगती है आपको GT की? पुलिस अंकल आराम से खड़े हैं, मेरे को लगा चेकिंग वेकिंग लगी हो, फिर एग्जॉस्ट का चलान हो जाए पता चला। देखो भाई रक्षाबंधन आ गया है, राखी की दुकान लग गई है लाइन से। बाबू भाई क्या चल रहा है, उस दिन आए क्यों नहीं? चला गया सिटी। विवेक भाई कैसे हो, ब्लॉग चालू तो नहीं ब्रदर? चालू है ना ब्रदर, दिखा विवेक भाई, हमारे भाई लोग भाई कैसे हो? हाँ क्या रिएक्शन मिल रहे हैं भाई आज। आज फुल रेस मोड ऑन, ए मोड बी मोड सी मोड या तो रेन मोड लो पावर मोड ये सब नहीं है भाई, सीधे चाबी लगाया और फुल बीस्ट मोड ऑन। ये खासियत है भाई GT की। क्या रोड से, रोड साथ नहीं देती ना भाई, रोड अच्छी नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है हमारे यहाँ। अच्छी रोड पे हमको जाना पड़ता है उसके बाद हम मंगाते हैं, इन रोड्स में तो आराम से ही चलना पड़ेगा ना। देखो नुकसान इसमें अपना है, गाड़ी का हैंडल वैंडल उर्जे पुर्जे जल्दी आवाज़ करने लग जाते हैं, तो उस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। काश ये एटलीस्ट 11,000 RPM तक जाती भाई, क्या आवाज़ आती यार GT की, इतने ही में कम नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा सा एक ही चीज़ कम लगता है भाई, ये 7,500 RPM पे ही जाती है यार बस। और इसका आप कंसोल देखोगे ना, उसमें भी 9,000 तक ही दिया है,
7000 के बाद रेड लाइन है इसका, बाकी नो डाउट 650 cc है, पावर अच्छा है गाड़ी में। इतने प्राइस में कंपनी ऑफर कर रही है वो भी कुछ कम नहीं है। GT इतने कम बजट में क्यों आती है इसके बारे में मैं बात करूंगा अगली वीडियो, कोई पोस्ट करूंगा इस बारे में भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, नहीं तो ये गाड़ी आराम से 5-6 लाख की तो होती ही होती। ये देखो भाई, ये देखो जब ये सांड दौड़ता है ना तो खतरे की निशानी है भाई, ये कहीं भी आ सकता है किसी भी डायरेक्शन में, कब भी ये मुड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। मैं तो इनसे बहुत डरता हूँ, मेरे साथ बहुत बार टक्कर भी हो चुकी है, खतरनाक चीज़ है भाई। इनको कुछ नहीं होता है, अपन को तो इतनी बुरी चोट आती है। ये देखो भाई, रोड में ही खड़े रहते हैं एक तो ये लोग। ये देखो भाई बच गया भाई। क्या आवाज आती है यार, बैक फायर सुन रहे हो? मैंने पीछे बैग नहीं डाला है यार, बैग पहना होता ना तो सही रहता, टी शर्ट उड़ती है ना। भाई अपना राखी की दुकान लगा है, हाथ दे रहा था चलते अभी उसके पास। इनसे दूर रहो बस, इनका कोई भरोसा नहीं है। हाँ भाई गोलू, क्या चल रहा है? और छोटे भाई कैसे हो? भाई राखी की दुकान लगा है अपना, रुमाल भी है, छोटा भीम है तो राखी है, छोटा भीम वाली। देखो भाई छोटा भीम, ये क्या है? मोटू पतलू हाथी मेरे साथी। वाह यार, ये वाली कौन सी है? वाह यार, देख रहे हो गाइस, राखी बच्चों के लिए सबसे अच्छी राखी है ये। और ये अपने आप बंद हो जाएगी जल के। ये क्या है, पेन है? अच्छा साथ में है, भौरा भी मिला है गाइस। देखो जिसको लेना हो राखी, खमरिया बाज़ार आ जाना, पूछ लेना गोलू की दुकान कौन सी है, मुन्नू भाईजान की, ले सकते हो आप लोग, सारे ऑप्शन है भाई के पास अपने। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ये मैटर नहीं करता कि आप गड्डी कितनी तेज़ भगा लेते हो, मैटर ये करता है कि आप जब बहुत तेज़ स्पीड में होते हो तो आप कंट्रोल कितनी जल्दी करते हो और रुकती कितनी जल्दी है आपकी गाड़ी, ये ज़्यादा मैटर करता है, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि भगा दिए 100-150 और आगे जाके घुस गए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए भगाते वक्त, ये नहीं, ये मत रखो दिमाग में कि भाई मैं इतनी तेज़ भगा रहा हूँ, इतनी तेज़ मेरी गाड़ी भाग रही है, ये दिमाग में रखो कि कितनी तेज़ मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा, कितनी तेज़ मैं इसको रोक लूँगा। नट लगा दे यार आयुष, ये गिर गया यार, देख गिर ही जा रहा है यार। अच्छा वो नंबर प्लेट नहीं गिरी, एक बार ये वाला गिरता है इसको कसवाता हूँ तो कभी वो गिरता है, ऐसा होता है। रेसर फोर्स कैसा लगा आपको ये व्लॉग? जो भी भाई लोग नए आ रहे हैं रेसर फोर्स में हो जाओ ऐड, चैनल को करो सब्सक्राइब और पुरानी वीडियोस को भी चेक कर लेना। मैं मिलता हूँ गाइस आप लोगों से अगली वीडियो में, साइनिंग ऑफ, टेक केयर।